हेलो वेलकम, माय चैनल स्किल नॉलेज। आज का जो मेरा टॉपिक है वो डॉलर का है, डॉलर्स के सिंबल्स के लिए और उसको रुपीज़ में सेटिंग से कैसे कन्वर्ट करना है उस पर है। ओके, तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने डॉलर लगाया हुआ है और यहाँ पे पॉइंट के बाद सिंबल्स भी हैं। तो अगर हम चाहें तो पॉइंट के बाद यहाँ पे अगर मैं कॉमा दे के अगर मैं ज़ीरो कर दूँ और इंटर हिट करूँ, तो आप देखेंगे कि इंटर हिट करने के बाद इस तरीके से ये नंबर यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो इसको करना कैसे होता है, मैं बेसिक चीज़ें मेरा सिखाने का मकसद बस यही है कि एक्सेल में जितना इजी आप काम कर सके उतने एडवांस लेवल पे आप जा सकते हैं। तो जैसे इसको करना है तो इक्वल करेंगे और कीबोर्ड से डॉलर का फॉर्मूला मंगाएंगे। जैसे आप डी ओ लिखेंगे डॉलर का ऑप्शन आ जाएगा, टैब बटन प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। ओके, अब इसको जैसे ही आप क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर हिट करेंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पूरे इस नंबर के अकॉर्डिंग ये डॉलर लग गया है। अब मुझे यहाँ पे क्या है कि ज़ीरो नहीं चाहिए, तो अगर ज़ीरो नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे कॉमा दे के पॉइंट डेसिमल के बाद ज़ीरो नहीं चाहिए तो ज़ीरो आप लगा सकते हैं। फिर कंट्रोल के साथ आप इंटर कर देंगे तो आप इस तरीके से ये आ जाएगा। ओके, अब आता है कि जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से यहाँ पे हमें अगर रुपीज़ का सिंबल लाना है तो कैसे लाएंगे। तो चेंज टाइम एंड डेट सेटिंग में जाते हैं, एडजस्ट डेट एंड टाइम में यहाँ इस पर आते हैं। देन कैलेंडर सेटिंग्स में आएंगे हम, यहाँ करेंसी सिंबल्स में आएंगे, तो यहाँ पे करेंसी सिंबल्स का ऑप्शन आ जाता है। ओके, यहाँ से हम करेंसी सिंबल, जैसे अगर मान लीजिए मुझे रुपीज़ चाहिए तो मैं आरएस लगा सकता हूँ इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ से इसको भी मैं अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, यहाँ भी ओके कर दूंगा और यहाँ भी ओके कर दूंगा इस तरीके से। तो यहाँ पे आप इस तरीके से आर एस का ऑप्शन, जैसे यहाँ से मैं कर दूँगा अगर करेंसी का, इस तरीके से एक बार और कर लेते हैं, कभी कभी नहीं होता है। जैसे यहाँ पे आए करेंसी सिंबल्स में आए, यहाँ करके सब यहाँ से ही बना सकते हैं, बट अभी एडजस्ट हो नहीं रहा है वो। ओके, डेसिमल्स का जैसे अगर मैं यहाँ शिफ्ट के साथ आर एस लगाता हूँ, अप्लाई किया, ओके किया, फिर यहाँ सप्लाई किया, फिर यहाँ से ओके किया, फिर यहाँ ओके किया, यहाँ ओके किया, तो आप देखेंगे आर एस में ही आ जाएगा, कभी कभी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम डॉलर को रुपीज़ को डॉलर में कन्वर्ट हम कर सकते हैं। एकदम सिंपल है, बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं ताकि हर कोई इसको कर सके। ओके, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।